थंबनेल सुनने में कितना छोटा वर्ड है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो पे क्लिक करवाने में 95% इसी का रोल है। अब तुम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मिस्टर बीस्ट को नहीं जानता होगा। वो अपने वीडियो के एक थंबनेल में 70 से 80 हजार स्पेंड करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि थंबनेल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि वीडियो। अब तुम चाहें दुनिया का सबसे अच्छा ही वीडियो क्यों ना बना लो, लेकिन अगर तुम्हारा थंबनेल ऐसा होगा तो व्यूज नहीं आएंगे। और तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, लाइक फॉन्ट कौन सा यूज करें, टेक्स्ट कितना रखें, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, PNG कहाँ से डाउनलोड करें, तो सबका जवाब तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में तुम सबके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर तुमको अपने चैनल का एक ब्रांड बनाना है तो कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करो और उसको अपने सभी थंबनेल में यूज करो। अब फॉन्ट में तुमको हमेशा सैंस सेरिफ फॉन्ट का ही यूज करना है। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं तुमको वीडियो के एंड में बता दूंगा। देखो, फॉन्ट किसी भी थंबनेल का वाइब बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस थंबनेल को देखो। अब अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूं तो तुम्हें वो वाइब नहीं आएगा जो पहले वाले फॉन्ट से आ रहा था। सो इसीलिए फॉन्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी थंबनेल में। चलो, अब फॉन्ट तो क्लियर हो गया, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। तुमने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा। मैं अपने सभी थंबनेल में 2 या 3 टेक्स्ट ही यूज करता हूँ। ऐसा क्यों? बताता हूँ। देखो, कम टेक्स्ट यूज करने का बहुत सारे बेनिफिट हैं। नंबर 1, कम टेक्स्ट होगा तो उसका साइज बड़ा रख सकते हो। नंबर 2, इससे थंबनेल क्लीन और सिंपल दिखेगा। नंबर 3, इससे ऑडियंस का अटेंशन जल्दी ग्रैब होगा। अब टेक्स्ट के बारे में तुमको पता तो चल ही गया होगा कि कम टेक्स्ट रखने का बेनिफिट क्या है। अब इसी में एक और चीज आता है, जो कि है टेक्स्ट अलाइनमेंट। जितना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट भी होता है। तुमने देखा होगा मैं अपने थंबनेल में हमेशा टेक्स्ट अलाइनमेंट टॉप सेंटर या फिर मिडल राइट साइड में रखता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें शुरू से ही आदत होता है लेफ्ट टू राइट पढ़ने का। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं तुमको अपने इस थंबनेल का एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखता तो ये देखने में भी काफी अनप्रोफेशनल लगता और शायद ही तुम इस वीडियो पे क्लिक करते। मेरे पास बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि भाई, मैंने फॉन्ट भी सही सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट भी 3 ही रखा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सही है, फिर भी थंबनेल बोरिंग दिख रहा है। तो देखो, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं है। एंड अगर तुम्हारे थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं होगा तो सही फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ तुमको पॉइंट नंबर 3। कलर कॉम्बिनेशन में 2 टाइप्स के कलर होते हैं। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नंबर 2, कॉन्ट्रास्टिंग कलर। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री कलर को समझते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होता है जो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, एंड इसको हम कलर व्हील की हेल्प से पता कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन और रेड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वहीं पे येलो और पर्पल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन येलो और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ग्रीन बैकग्राउंड के साथ रेड टेक्स्ट यूज करते हो या येलो बैकग्राउंड के साथ पर्पल टेक्स्ट यूज करते हो तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर तुम येलो बैकग्राउंड के साथ ग्रीन टेक्स्ट का यूज करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। अब समझते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर को। देखो, कॉन्ट्रास्टिंग कलर वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुमको 2 इमेज दिख रहा होगा जिनमें की बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर उनके बिल्कुल अपोजिट है। एक का बैकग्राउंड ब्लैक और टेक्स्ट व्हाइट है तो दूसरे का बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट ब्लैक है, और इन दोनों इमेज में कॉन्ट्रास्टिंग कलर का यूज किया गया है। ओके, सो आइए, सब तुम्हारे माइंड में कलर कॉम्बिनेशन को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि मैं अपने थंबनेल में जो भी फॉन्ट और PNG यूज करता हूँ उनको तुम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले बताता हूँ कि तुमको फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है डाफ फॉन्ट एंड इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे बेसिक वाले सेक्शन में तुमको एक ऑप्शन मिलेगा सांस सेरिफ, इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे तुमको मोर पे क्लिक करके 100% फ्री सिलेक्ट करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए। अब यहाँ पे तुमको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, तुमको एक अच्छा सा अपने मन पसंद का फॉन्ट डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं अपना PNG कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। PNG डाउनलोड करने के लिए मैं एक ऐप और एक वेबसाइट का यूज करता हूँ। ऐप का नाम है इमेज सर्च मैन, इसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन कर लिया है एंड मुझे जो भी PNG चाहिए यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूँ YouTube लोगो PNG एंड यहाँ पे बहुत सारे PNG आ चुके हैं। जो भी अच्छा लगे उस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। एंड जो PNG मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसको मैं इस वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। क्रोम ब्राउजर पे तुमको सर्च करना है PNG विंग्स एंड इसको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे तुमको जिस चीज का भी PNG चाहिए सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर्च करूंगा नोटपैड PNG एंड सर्च पे क्लिक कर दूंगा।
एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे PNG आ चुके हैं। सो जो भी अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना है एंड डाउनलोड दिस PNG पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ओके सो थंबनेल एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। थंबनेल एडिटिंग को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, स्टेप नंबर 2 में थंबनेल डिजाइन करेंगे और स्टेप नंबर 3 में फाइनल रिटचिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप नंबर 1। टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं यूज करता हूँ पिक्सल लैब का और इसका लिंक तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू टेक्स्ट पे एंड यहाँ से अपना टेक्स्ट ऐड कर लूंगा जो कि था वायरल स्क्रिप्ट, एंड यहाँ से डन कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा। एंड जो मैं फॉन्ट यूज़ करता हूँ उसका नाम मैं बता देता हूँ तुमको, तो मैं यूज़ करता हूँ मॉन्स्ट्रेट ब्लैक, ठीक है। अगर तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा एंड यहाँ से इसको सेंटर में करके यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा एंड इसको मैं सेंटर में करके एंड फिर यहाँ पे तुमको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके इसको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सेव इमेज पे जाके मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट इसको अल्ट्रा कर दूंगा एंड यहाँ से इसको सेव टू गैलरी कर लूँगा। ओके सो अब हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 थंबनेल डिजाइनिंग पे। थंबनेल डिजाइनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ PSCC एंड इसका भी लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके सो यहाँ से मैंने PSCC ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्लिक करना है प्लस वाला आइकन पे एंड यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ के तुमको यूट्यूब का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है 19:20:1080, ठीक है। एंड यहाँ से तुमको ओके कर देना है। अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड वाले पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक पे जाऊँगा एंड यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, जो कि मेरा ग्रीन कलर था। एंड यहाँ से इसको मैं यहाँ पे तुमको दिख रहा है ब्राइटनेस, इसको मैं कर दूंगा 30 या फिर हाँ इतना रहने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, उस ग्राफ वाले PNG को ऐड करूँगा, ठीक है। एंड हाँ, इस PNG का लिंक मैं तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड तुमने देखा होगा कि इसके ऊपर एक स्ट्रोक था, ठीक है, तो वो कैसे मैंने ऐड किया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट पिक्सल करूँगा एंड यहाँ से इसको जाऊँगा फिल एंड स्ट्रोक में एंड इसके यहाँ पर ब्राइटनेस को तुमको कर देना है 50, ठीक है, 50 करके डन कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से इसका डुप्लीकेट लेयर करना है, तो यहाँ पे तुमको प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आना है तुमको नीचे वाले लेयर पे एंड इसका करना है सेलेक्ट पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ से जाना है फिर से फिल एंड स्ट्रोक में एंड कलर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इसका ब्राइटनेस पूरा फुल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डन कर देना है एंड एक बार स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जिसका हमने कलर फिल किया है उसको हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा का, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा पिक्सल नज, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ से हम धीरे धीरे इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक लाइट कलर का शेडो स्ट्रोक आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे इतना रहने देता हूँ, इसके बाद डन कर दूंगा। उसके बाद आना है तुमको ऊपर वाले लेयर पर एंड इसका करना है सेलेक्ट पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आना है नीचे वाले लेयर पर, ठीक है। एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके जाना है एंड यहाँ से तुमको क्लियर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो अब नीचे का पार्ट इसका डिलीट हो चुका है एंड इसको हम ऊपर कर देंगे। अब हम इसमें शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुमको FX पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाना है ड्रॉप शैडो पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका एंगल में 90 डिग्री रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री कलर ब्लैक एंड यहाँ से ब्लर तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी के लिए इसको रखता हूँ 30, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। एंड तुमने देखा होगा थंबनेल में कि मैंने विनियट ऐड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन तीनों लेयर को एक लेयर में कर लूँगा। तो यहाँ से तुमको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मर्ज डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके एंड मैं सबको एक लेयर में कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से तुमको यहाँ पे एंड वाले पे क्लिक करना है, FX पे क्लिक करना है एंड यहाँ से तुमको एक ऑप्शन मिलेगा लाइटिंग का, ठीक है। तो लाइटिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से तुमको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको, ये जो दिख रहा है स्पेक्टिकुलरिटी, इसको मैं कर दूंगा 20%, ठीक है। एंड यहाँ से अपने हिसाब से तुमको रख लेना है, ठीक है। तो मैं इसको रखता हूँ इतना एंड यहाँ से इसको डन कर दूंगा। ओके सो हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट अपना PNG ऐड करूँगा जो कि स्टूल का PNG था, ठीक है। उसका भी लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PNG ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करके
एंड यहाँ से फोटो लेयर पे क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी, एंड यहाँ से मैंने एक इसको एडिट किया है, इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम शैडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो तुमको कैसे करना है, तो यहाँ पे तुमको प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुमको क्लिक करना है एम्प्टी लेयर पे, ठीक है, एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। उसके बाद इस लेयर को यहाँ से नीचे लेके चले आना है, ठीक है। उसके बाद तुमको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से स्क्रोल करके इस सर्कल वाले को ले लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ से तुमको एंड पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। एंड उसके बाद जाना है तुमको एफएक्स पे, एंड इसमें देना है गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से इसको पूरा फुल कर देना है, ठीक है। इतना करके डन कर देता हूँ, फुल नहीं करना है। उसके बाद इसको एंड पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसके नीचे लाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा पे क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा होगा लोक एक्सपेक्टेड रेशियो, ठीक है, इसको ऑन कर देना है। एंड यहाँ से तुमको इसको अपने हिसाब से इसके नीचे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने शैडो ऐड कर दिया है, लेकिन अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, अपने इस बुक वाले पीएनजी पे आना है, एंड यहाँ से तुमको इस पर क्लिक करना है एफएक्स पे, ठीक है। एंड यहाँ से तुमको एक ऑप्शन मिलेगा बीवल का, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से इसका कलर तुमको ब्लैक कर देना है, एंड ब्लर पूरा कम कर देना है, ठीक है। एंड ब्लर उतना रखना है ताकि एक अच्छा शैडो आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ से डिस्टेंस भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ से मैं जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ, देख रहे हो तुम सब, नीचे से एक ब्लैक शैडो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शैडो रेडी हो चुका है, एंड इसमें मैंने ग्लो ऐड किया था, तो वो तुमको कैसे ऐड करना है तो वही मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट ले लेना है, यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको एफएक्स पे क्लिक करना है, एंड इसमें गॉसियन ब्लर पे क्लिक करके इसको पूरा फुल कर देना है, ठीक है। फुल करके डन कर देना है, एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके आना है। एंड इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लेंड मोड में दिखेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसका ब्लेंड मोड चेंज करके तुमको क्या कर देना है, लीनियर डोज, ठीक है। एंड इसको करके इसको नीचे ला देना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो इसके पीछे कितना अच्छा ग्लो इफेक्ट आ चुका है। एंड यहाँ से तुमको अपने हिसाब से इसका ओपेसिटी रख लेना है। तो यहाँ से मैं अभी तो इसको अराउंड 75 रखूँगा, ठीक है। एंड इसको एक और बार डुप्लीकेट करूँगा, एंड अब इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। एंड अब इसकी ओपेसिटी 50 नहीं, इसको मैं 30 रखूँगा, ठीक है। एंड ये इसकी भी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही है, तो इसको मैं कम कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको 50 कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। अब हम यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग का ये सब रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके जो मैंने टेक्स्ट बनाया था पिक्सल लैब से, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, इसको मैं पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो तुमने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि इसके पीछे एक रेड कलर की पट्टी थी, ठीक है। तो उसको कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ से तुमको एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, ठीक है। एंड इस लेयर को नीचे कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको आना है, एंड इसको सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको दूसरे नंबर पर दिख रहा होगा कॉर्नर, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको पूरा फुल कर देना है। एंड यहाँ से तुमको एक सेलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने सेलेक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे तुमको क्लिक करना है एंड पे, एंड यहाँ पे इसमें हम ग्रेडियंट देंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से तुमको यहाँ पे देखो यहाँ पे आना है, एंड तुमको ये लास्ट वाला दिख रहा है ना, लास्ट में से 3 वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ से पहले वाले में यहाँ से तुमको ग्रीन कलर फिल करना है, एंड इसका ब्राइटनेस पूरा 100 रहेगा, ठीक है। एंड दूसरे वाले में भी ग्रीन कलर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लूँ, एंड यहाँ पे तुमको इसका ब्राइटनेस 50 रखना है, ठीक है, 50 रख के। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक फेडेड लुक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डन कर देना है। एंड अब इसको हम थोड़ा 3D लुक देंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा 3D लुक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुमको यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से बीवेल पे आना है, ठीक है। एंड यहाँ से तुमको इसका ब्लर रखना है 25, ठीक है। एंड एंगल रखना है 90, एंड कलर में वाइट ही रहेगा, एंड डिस्टेंस रखना है 10, ठीक है, एंड इंटेंसिटी 100, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा है 3D लुक आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको डन कर देना है। अब हम अपने टेक्स्ट में शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एफएक्स पे जाना है,
एंड यहाँ से ड्रॉप शैडो पे क्लिक करना है। एंड सबसे पहले तुमको इसका ब्लर पूरा कम कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से डिस्टेंस में तुमको 5 रखना है, ठीक है, डन कर देना है। एंड यहाँ से एंगल तुमको सेलेक्ट करना है 95 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ से तुम चाहें तो डिस्टेंस कम भी रख सकते हो, मैं अभी 3 रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम सब देख सकते हो हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। एंड यहाँ से वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो मैं उसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से मर्ज डाउन पे कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है तुमको, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद तुमको एरो वाले पे क्लिक करके सेव टू गैलरी एंड यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई थंबनेल एडिटिंग के टाइम पे तो अच्छा दिखता है लेकिन जब हम उसको यूट्यूब पे लगाते हैं तो ब्लर हो जाता है। सो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 3, फाइनल रिटचिंग। रिटचिंग के लिए मैं यूज करता हूँ लाइटरूम मोबाइल का। एंड इसका भी लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो यहाँ पे मैंने उस थंबनेल को यहाँ पे लाइटरूम में इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसके वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा अराउंड 30% के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद तुमको आना है इफेक्ट पे एंड यहाँ पे इसमें टेक्सचर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको टेक्सचर रखना है अराउंड 20 तक, ठीक है। एंड यहाँ से क्लैरिटी रखना है 15 तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तुमको आना है डिटेल पे, तो यहाँ से तुमको इसमें शार्पनिंग रखना है 30, ठीक है, शार्पनिंग 30 रखना है। एंड यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा मास्किंग का, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या करना है, एक फिंगर से होल्ड करना है एंड एक फिंगर से स्लाइड करना है, ठीक है। एंड तब तक स्लाइड करना है जब तक कि अच्छे से उसको पूरा फिल ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो मैं स्लाइड कर रहा हूँ एंड ऐसा ही तुमको भी कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर तुमको बैक आना है इफेक्ट वाले में एंड यहाँ से अब तुमको इसमें विनियट ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं विनियट अराउंड 30 ऐड करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम सब देख सकते हो ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ पे तुमको मैं सेव करने का प्रोसेस बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से सेव टू कॉपी डिवाइस पे क्लिक करते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट एस पे एंड यहाँ से फाइल टाइप में JPG रखना है, ठीक है। एंड यहाँ से डायमेंशन में लार्जेस्ट अवेलेबल डायमेंशन रखना है एंड यहाँ से क्वालिटी में 100% रखना है। एंड उसके बाद तुमको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। रुको रुको रुको, बोला था ना कि वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज ये है कि जब मैंने यूट्यूब पे पोल डाल के तुम सबसे पूछा था कि किस थंबनेल का ट्यूटोरियल चाहिए, तो 60% से ज्यादा लोगों ने थर्ड वाले को ही वोट किया था। बट उनमें से बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट किए थे कि भाई एक ही वीडियो में सेकंड और थर्ड दोनों का एडिटिंग बता दो, लेकिन एक वीडियो में दो थंबनेल एडिटिंग ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि ज्यादातर लोग तो यही जानना चाहते थे कि मैंने इस यूट्यूब के लोगों को ब्रेक कैसे किया है। अब इतना तो मैं इस वीडियो में भी बता सकता हूँ कि इसको मैंने ब्रेक कैसे किया है। तो फटाफट तुम लोग PSCC ओपन कर लो, मैं बताता हूँ तुमको कि यूट्यूब के लोगों को मैंने ब्रेक कैसे किया था। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूट्यूब का लोगो इम्पोर्ट कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं जाऊँगा एंड यहाँ से मैं यूट्यूब का लोगो इम्पोर्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। ओके, सो यूट्यूब का लोगो PNG एड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और PNG लूँगा जो कि ब्रोकन PNG है एंड उसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से मैंने PNG ऐड कर लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस YouTube वाले लोगों को ऑफ करूँगा एंड यहाँ से इसको नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ से सबसे पहले इस PNG को मैं इस पे सेट करूँगा। तुमने देखा होगा कि इसमें भी मैंने क्रैक ऐड किया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, YouTube PNG को ऑन कर दूँगा एंड यहाँ से इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूँगा, उसी ब्रोकन PNG को ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं गैलरी में जाऊँगा एंड यहाँ से उस PNG को ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको ध्यान से देखना, अब तुमको क्या करना है, जिस भी लोगों को ब्रेक करना है उसको इस वाले PNG को इसको ऊपर रख देना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा PNG रेडी हो चुका है। यहाँ से हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। यहाँ से मैं तुमको एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो
ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके सो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब से तुमको थंबनेल एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब थंबनेल रेडी हो जाता है तब बारी आता है स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर एंड वॉइस एडिटिंग की। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि अपने वीडियो के लिए एक वायरल स्क्रिप्ट कैसे लिखे हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, और वॉइस ओवर एंड वॉइस एडिटिंग के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।